मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, सावन माह भगवान शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। सावन महीने में शिवालयों में पूरे माह धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। आइए जानते हैं सावन के महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं जिसे करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और मनचाहा वरदान पा सकते हैं। सावन के महीने में छोटा सा पारद शिवलिंग मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद हर रोज दूध दही घी शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से गरीबी दूर होती है और यदि कोई मनोकामना मन में है तो वो पूर्ण होती है। पारद शिवलिंग को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यदि लंबे समय से घर में आर्थिक तंगी झेल रहे हैं तो सावन के सोमवार के दिन बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी जरूरतमंद को खीर और घी का दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। यदि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है तो सावन भर जल में थोड़ा सा केसर डालकर महादेव का जलाभिषेक करें। इसके अलावा सावन के सोमवार या मंगलवार के दिन सुहाग का सामान किसी सुहागिन महिला को दें। इससे भी वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यदि संतान से जुड़ी कोई परेशानी सता रही है तो सावन भर शिवलिंग पर रोजाना धतूर चढ़ाएं। इससे संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर होती है और संतान खूब तरक्की करती है। यदि किसी भी तरह की बीमारी हो वह पीछा नहीं छोड़ती है तो सावन के महीने में दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़े काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं।